बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबवे तो आपने खाया होगा, मैंने भी खाया है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और आप लोगों को जानकर ये हैरानगी होगी कि सबवे इस टाइम पे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रेस्टोरेंट चेन है। इसके 112 कंट्रीज में मोर देन 44,000 ब्रांचेस हैं, और मैकडोनल्ड को बीट किया इसने 2008 में, जिस टाइम मैकडोनल्ड नंबर 1 पे था। लेकिन आपको पता है कि सबवे इस सक्सेस तक कैसे पहुंचा, इसके पीछे किसका राज है, और कैसे स्ट्रगल करके और किस बंदे ने इसको यहां तक पहुंचाया? नहीं ना, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सबवे की सक्सेस स्टोरी। तो बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। ये बात है 1948 की, जब अमेरिका में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है फ्रेड डेलुका। जब ये बच्चा 17 साल का होता है 1965 में, तो अपनी स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास पैसे नहीं होते, और स्टडीज तो दूर की बात है, इसके पास अपने एक्सपेंस के लिए भी पैसे नहीं होते। इस टाइम पे इसके एक फैमिली फ्रेंड पीटर जो उसकी मदद करते हैं, इसको $1,000 का लोन देते हैं ताकि एक तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके, दूसरा अपने लिए अर्निंग कर सके। पीटर इसे 17 साल बड़े होते हैं, और पीटर ने फिजिक्स में मास्टर्स एमफिल भी किया होता है, इसलिए वो अर्निंग कर रहे होते हैं, तभी उसको $1,000 का लोन देते हैं। 1965 में फ्रेड सबवे की पहली ब्रांच खोलता है एक छोटे से सैंडविच स्टोर के साथ, जिसमें वो एक हेल्दी और नेचुरल डाइट के साथ सैंडविच बना के लोगों को देता है, और उसका नाम रखता है पीटर सबमरीन बर्गर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चल नहीं पाता, लेकिन फ्रेड वहां पे हार नहीं मानता, और एक साल बाद अपनी दूसरी ब्रांच लॉन्च करता है जिसका नाम रखता है पीटी सबवे, क्योंकि पिछली ब्रांच का नाम वहां के पिज्जा सबमरीन के साथ रिजेंबल कर रहा था, जिसकी वजह से उसने नाम इसका चेंज किया। लेकिन इस ब्रांच पे भी उसको खातर खा फायदा नहीं हुआ, इस ब्रांच से उसने टोटल $6 का मुनाफा कमाया, लेकिन नुकसान नहीं गया। यहाँ पे भी उन दोनों ने हार नहीं मानी, पीटर और फ्रेड ने दोनों ने डिसाइड किया कि हम हारेंगे नहीं, हम इस बिजनेस को आगे लेकर चलेंगे। उन्होंने 1968 में इसकी तीसरी ब्रांच लॉन्च की, और ऐसा हुआ कि इस तीसरी ब्रांच से उन्होंने $70,000 का मुनाफा कमाया। जब उसने एनालाइज किया कि पहली ब्रांच से मैंने कुछ पैसे नहीं कमाए, दूसरी ब्रांच से $6 कमाए थे, और तीसरी ब्रांच से $70,000, इससे उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली, और इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ब्रांचेस को खोलने लग गए, और लोगों में भी सबवे जो है ना मकबूल होता गया, और लोग सबवे पे ट्रस्ट करने लगे, जिसकी वजह से सबवे सक्सेसफुल होता गया। बढ़ते बढ़ते 1975 में इसकी 1,000 ब्रांचेस होगी, और 1984 में इसकी 10,000 ब्रांचेस होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस टाइम पे सबवे 112 कंट्रीज में है, और इसकी मोर देन 44,000 ब्रांचेस हैं। 2002 में जाके फ्रेड ने जो अपना ख्वाब था वो पूरा करने के लिए दोबारा स्टडीज को कंटिन्यू किया, क्योंकि उस टाइम इसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2015 में ल्यूकेमिया की वजह से फ्रेड की डेथ होगी, जिसके बाद इसकी बहन सुजुइन ग्रोका ने सबवे की भागदौड़ संभाली, और वो इसकी चेयरमैन बनी। पाकिस्तान में सबवे 1998 में कराची में जमजमा में आया था, और इस टाइम पाकिस्तान में सबवे की 9 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। ऑल्दो ज्यादा नहीं है, शायद पाकिस्तान में इतना पॉपुलर नहीं हुआ सबवे जितना ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ है, तभी इस टाइम पे दुनिया की नंबर 1 रेस्टोरेंट चेन बन चुका हुआ है। एक ब्रीफ सी स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि सबवे कैसे इस मुकाम तक पहुंचा और कैसे दुनिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट चेन बना। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ताला आप सबका अमीन असर हो। अल्लाह हाफिज़।